तो गाइस, नवरात्रि की प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले तो आपको चाहिए थोड़ी सी डेकोरेशन। जो मैं अपने मंदिर के बगल में एक टेबल पे थोड़ी सी डेकोरेशन करके अपनी माता की स्थापना करूंगी, तो यहाँ पे मैंने एक लगाई है नई तोरण। ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स की तोरण है, मार्केट में बहुत ईजी से मिल जाती है। मैंने ये नई तोरण खरीदी है ताकि मेरी दिवाली और नवरात्रि बहुत ही सुंदर तरीके से बीते। सबसे पहले आपको चाहिए माता की फ़ोटो, एक लाल कपड़ा, और आपको एक डेकोरेशन वाला गोटे वाला लाल कपड़ा चाहिए, और फिर आपको चाहिए माता की चुन्नी और लाल माता का हार। और माता के लिए जो भी सामान आप लें वो लाल लें। तो मैंने लिया है माता का लहंगा और माता के सुहाग का सामान। साथ में आपको चाहिए माता की मूर्ति, कलश, आप तांबे और मिट्टी का दोनों का कलश भी ले सकते हैं। और फिर आपको चाहिए पूजा की थाली और पूजा क्या हवन करने के लिए हवन का बर्तन, एक अखंड दिया अगर आप दिया जला रहे हैं, नहीं तो एक नॉर्मल दिया, हवन की सामग्री, रोज़ एक छोटा सा घर में हवन करने के लिए। और फिर आपको चाहिए लौंग और इलायची और सुपारी, और साथ में आपको चाहिए एक बड़ी पूजा की थाल जिसमें आप फ्रूट्स, फ्लावर्स और पूजा का सामान रख सकें। आपको चाहिए रोज़ नवरात्रि में माता पे भोग लगाने के लिए पंचमेवा और बताशे। पंचमेवा में आप 5 टाइप के ड्राई फ्रूट्स लेंगे, और फिर ज्वार चाहिए या जौ चाहिए उगाने के लिए, और साथ में गेहूं और धान अगर आप कलश स्थापना करते हैं। साथ में आपको चाहिए कुमकुम, सिंदूर और मौली, और गंगा जल बहुत ज़रूरी है। पूजा की स्थापना और कलश स्थापना से पहले आपको गंगा जल चाहिए, और फिर आपको चाहिए दिया जलाने की बत्ती, आलता, सिंदूर और चूड़ियाँ, और कुछ पूजा के बर्तन। तो ये है आपकी पूजा की सामग्री।